हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका है और जैसे कि मैं आजकल आपसे नई तरह से बात करती रहती हूँ जिसमें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपको अपना ओपिनियन बताती हूँ। तो आज का जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो समीन शेख ने लिखा है। हाय मैडम, मेरा बेटा 6 साल का है, वो बहुत शरारती है, मुझे समझ में नहीं आता उसे कैसे हैंडल करूँ, उसके बारे में आप छोटी सी टिप्स नेक्स्ट ब्लॉक में मुझे दे देना कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। लव यू मैम, आप हमेशा खुश रहो, छोटी सी रिक्वेस्ट है मैम। हाउ स्वीट। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आई थिंक आधे से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एसेस कर पाना कि किस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो बच्चों के साथ अच्छा है। क्या हमको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए या फिर हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक्चुअली यू नो वॉट, एक बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस हर चीज़ के लिए जिस तरह से ज़रूरी होता है उसी तरह से। तो द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फॉल इन टू प्लेस, मगर ये जो चीज़ें हैं ये आपको शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए या फिर जब भी शुरू कर पाए कि जो आपके बेसिक्स हैं वो पहले तो क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बच्चे को बोल रहे हो आपका फ्रेम ऑफ माइंड उसमें पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आई मीन 2 साल से करीब 8 साल तक के बच्चे, ऐसे बच्चों का जो ब्रेन है वो अभी भी डेवलप हो रहा होता है, इसी कारण वो अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है ये चुन नहीं सकते और इसी कारण वो स्ट्रगल ना करें। इसके लिए आपको कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे अपने घर में विच कैन बी फॉलोड रेगुलरली एंड ईजीली बाय योर चिल्ड्रन। सो द चिल्ड्रन नीड बाउंड्रीज एंड रूल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। और साथ ही आपको भी थोड़ा समय चाहिए होता है एज अ पेरेंट, जब आप पूरे दिन भर अपने बच्चों का ख्याल रखते रखते थकते हैं, थोड़ा सा समय आपको खुद भी मिले या बीच बीच में ही सही थोड़ा बहुत समय मिले अगर आपके बहुत ही छोटे बच्चे हों और रात में भी शायद आपको जगाते हैं तो, क्योंकि आपकी सैनिटी भी उतना ही मैटर करती है। क्योंकि अगर आप लेवल हेड पे नहीं होंगे, अगर आप का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा एंशियस है और आप खुश नहीं हो तो अगेन दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्ड। ये जो रूल्स हैं और ये बाउंड्रीज हैं ये आपको पर्सनली बेनिफिट करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपने बच्चों से आप जब भी बात करते हैं तो एक क्लियर वॉइस के साथ बात करें, सही इंस्ट्रक्शंस के साथ बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करना है उनसे। उनके लेवल पे आ जाइए पहले और उसके बाद आंखों में आंखें डालिए और फिर आप अपनी बात उनके सामने रखिए एक सभ्यता के साथ, डांट डपट के नहीं। क्योंकि अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे आज तो वो ही रिस्पेक्ट वो आपको भी रेसिप्रोकेट करेंगे। क्योंकि डांटने का जो है इट जस्ट यू नो रेजेस इमोशंस एवरीवेयर, किसी को किसी की बात समझ नहीं आती और एट द एंड ऑफ द डे काम होता नहीं है। तो अगर हम नेगोशिएट कर सकें किसी चीज़ के बारे में अपने बच्चों से या फिर हम उनको समझा सकें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, 5 मिनट लगता है ये चीज़ करने में और ऑलमोस्ट 1 घंटे का टैंट्रम जो है या ड्रामा जो उसके बाद कैरी ऑन होगा आपके डांट के बाद, दैट ऑल गोज अवे। क्योंकि everyone is, you know, now calmer because they have communicated with each other, ठीक है? तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कारगर होता है। छोटे बच्चे भी इतनी चीज़ तो समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और हमको किस चीज़ के लिए मम्मी मना कर रही है या पापा मना कर रहे हैं कि करना नहीं है, राइट? अगर बच्चा कुछ जिद कर रहा है कि मुझे ये ही चाहिए और मान ही नहीं रहा है आपकी बात और रोए जा रहा है, अगर तो आप दे सकते हो तो उसको उसी समय दे दो, लेकिन उसको ये समझा के दो कि सी अभी डेंजरस, अगर वो डेंजरस चीज़ है तो या फिर कुछ फ्रेजाइल चीज़ है तो उसको कम्युनिकेट करो देने के पहले, हाथ में लो, उसकी आंखों में आंखें डालो ताकि यू नो वो आपके साथ कनेक्ट हो सके और उसके बाद उसको समझाओ कि ये जो चीज़ है अगर आप हैंडल करोगे, मिस हैंडल करोगे, फट सकती है या फिर ये बहुत फ्रेजाइल है, ये टूट सकता है, तो मैं आपको एक चेयर पे बिठा देती हूँ, उसके बाद एक टेबल के ऊपर मैं आपको ये रख के दे देती हूँ, तो आप इसको देख सकते हो एंड बी देयर विथ द चाइल्ड एंड टेल द चाइल्ड कि ओके ये 5 मिनट का टाइम है, आप अच्छे से इसको देख लो, बट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू सी दैट्स वाई आई एम हियर एंड यू कैन सी। तो उनका जो सेंसरी ब्रेन है वो इस समय हाई अलर्ट पर काम कर रहा होता है और उनके लिए ये सब चीज़ें फील करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, एकदम दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे फील। तो इसको थोड़ा ना केयरफुली डील करना पड़ता है। बच्चों का कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना उसको आप डिसमिस मत करा करो,
कि ये क्या है, चलो ठीक है बाद में बात करेंगे. नहीं, आप जो भी काम छोड़ रहे हैं ना, जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, वो आप बताइए. क्योंकि उस समय जो भी वो अभी अपनी इंक्विजिटिवनेस आपको दिखा रहे हैं, और अगर वो ये देखते हैं कि आप पूरा इंटरेस्ट लेके उनकी इंक्विजिटिवनेस जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मे बी आप गूगल पे देख के बताते हैं, एक तो उसका नॉलेज बढ़ रहा है. दिस इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग, तो बच्चे का नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, साथ में आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है उस चीज़ को लेके. प्लस बच्चे को एक पावर मिल रहा है कि अगर मेरी कोई इंक्विजिटिवनेस है, मैं आके अपने पेरेंट्स से पूछ सकता हूँ उस बारे में, और मुझे डिसमिस नहीं किया जाएगा. हर एक क्वेश्चन जो है मेरे पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ये एक कम्युनिकेशन का जो मार्ग है आप दोनों के बीच में, ये खोलता है. बच्चे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन कम एंड स्पीक टू माई पेरेंट्स एट एनी टाइम. तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इस तरह से कि आप करते रहें, हर एक क्वेश्चन को एड्रेस करिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, चाहे वो पढ़ाई के ही बीच में क्यों नहीं आए. अगर आप ब्रीफ में उस चीज़ को समझा सकते हैं तो वैसा करिए, लेकिन एड्रेस करिए. अगर थोड़े दिन बाद अगर आप उसको एड्रेस कर पाएं कि ठीक है, व्हाई डोंट वी गो ऑन अ यू नो ट्रिप समवेयर, एंड देन यू कैन सी ऑन योर ओन. लाइक अगर वो सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहता है, तो मे बी यू गाइस कैन मेक अ प्लान कि आप एक प्लानिटेरियम चले जाएं, और एक अच्छा टाइम भी फैमिली के साथ में गुजर जाएगा. प्लस और आपका बच्चा जो है उसको अगेन एक कॉन्फिडेंस आता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस उसका होता है, क्योंकि आपने उसकी जो इनक्विजिटिवनेस है उसको बुझने नहीं दिया, आपने उसको जला के रखा हुआ है. और वो चीज़ बहुत मैटर करती है बच्चों के सीखने में, क्योंकि वो जो उस समय इंटरेस्टेड हैं, आफ्टर अ वाइल दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि वो भूल चुके हैं उस बारे में. फिर वो आपको रिमाइंड नहीं करेंगे, लेकिन उसी समय आप कुछ जो इंटरेस्टिंग सा उसको, उसके पास क्वेश्चन है भले ही छोटा सा हो, उसको बड़ा बना के और खूब अच्छे से उसके बारे में मस्ती करो, बात करो, कुछ फूंक के आओ, कुछ दिखाओ, या फिर कोई मूवी देखो उस बारे में. तो ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए जो बच्चे हैं वो इसीलिए मिसबिहेव करते हैं, या तो उनको भूख लगी हुई होती है, या फिर वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खेल खेल के रील्ड अप हो चुके हैं और अब उनसे रुका ही नहीं जा रहा है, तो और खेलना है और खेलना है, भले पसीना पसीना हो जा रहा है, बट दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्टॉप, क्योंकि चाबी भर चुकी है उनके अंदर. ऐसा होता है ना, स्पेशली बॉयज़ के साथ ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है. मेरा बेटा खुद जो है वो इफ ही स्टार्ट्स टू प्ले ही जस्ट वॉन्ट्स टू कीप ऑन प्लेइंग, या फिर बच्चों को नींद आ रही हो. तो ये तीन चीज़ें अगर हैं तो ही बच्चा जो है वो ओवर टैंड्रम्स थ्रो कर रहा होता है, ज़्यादा आपको एक्टिवेट होकर दिखाता है, या फिर रो रहा होता है. तो इसीलिए आप उसका टाइम जो है वो सेट करके रखिए. सोने का टाइम उसका क्या है, उसका खाने खाने का टाइम क्या है, किस समय वो सो रहा है, कम से कम उसको 12 आवर्स की स्लीप मिल रही है पूरे दिन भर में कि नहीं, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका डेवलपमेंट अभी चल रहा होता है, और इसी कारण उनको बहुत ज़रूरी है कि दे गेट देयर स्लीप, एंड प्लस वो हाइड्रेटेड हैं कि नहीं. तो इसीलिए ये सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, अपने आप देखेंगे कि जो टैंट्रम्स हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई है. जब भी ओवरवेल्म फील करते हैं, उनके इमोशंस को ना हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. हो सकता है कि उनको एक छोटा सा खरगोश लगा है और बस आके आपको दिखा रहे हैं, माँ मुझे लग गई, एंड उनके लिए तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है. तो आप भी उन्हीं के साथ में एक बुरा समूह बना के, ओह आपको लग गया, ओ डज इट हर्ट, मैं एक काम करती हूँ दवाई लगा देती हूँ, बस इतना करना ना एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है बच्चे को कि दे आर केयर्ड फॉर, क्योंकि उनको एक अटेंशन चाहिए, और उसी कारण दे जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑन कमिंग टू यू फॉर दैट अटेंशन, क्योंकि आप अपने कामों में बिजी हो गए, वो आपसे अटेंशन कैसे लेंगे, करेक्ट. तो जब भी उनको लगती है, या फिर है ना वो रो रहे होते हैं, दे आर ट्रबलिंग समवन, या फिर दे आर देमसेल्व्स गेटिंग ट्रबल्ड, दे आर इन नीड ऑफ दैट वैलिडेशन, दैट अटेंशन, तो आप उनको वो अटेंशन दीजिए. जब आप अटेंशन देंगे तो आपको दिखेगा कि द थिंग्स आर गेटिंग यू नो कामर, वो इतना देर तक वो टैंट्रम जो है वो नहीं चल रहा है, करेक्ट. तो अटेंशन दीजिए. अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, या फिर मार्केट एरिया में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे एकदम मेल्टडाउन चालू हो जाए, मुझे तो यही चाहिए है, या फिर कुछ बदमाशी चालू हो गई जो कि दे आर नॉट सपोज टू डू, दे हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे एट सर्टन प्लेसेस, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं वैसा, या फिर आपको पलट करके जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है उस वक्त? उसी वक्त आपको उनको बोलना है, ओके कम ओवर देयर एंड वी आर गोइंग टू हैव अ चैट,
उनको उठाकर वहां से लेके जाइए और आप अपने बच्चे के साथ बात करिए प्रॉपरली कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस आउटबर्स्ट। उसी समय उस चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो डिसरिस्पेक्ट है ना, तो अगर हम ना थोड़े दिन भी खुला छोड़ते ना तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। यू नीड टू एड्रेस इट राइट देन बिकॉज इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। मगर उसके लिए डांटना नहीं, अपने बच्चे की आंखों में आंखें डाल के उसके लेवल पे आके पूछना चाहिए कि बेटा आपने इस तरह से बात क्यों की मेरे साथ, आपको तो पता है कि यह गंदा बिहेवियर है, आपको तो पता है कि बड़ों के साथ ढंग से बात करना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो एक अनब्रेकेबल रूल है और हर एडल्ट के साथ वो लोग तभी अच्छी तरह से बिहेव करना सीखेंगे जब वो आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाके जब आप प्रेजेंट नहीं है वो अपनी टीचर्स के साथ भी मिसबिहेव करेंगे, नेबर्स के साथ मिसबिहेव करेंगे। तो इसीलिए बचपन से ही ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इंस्टॉल करना चालू कर दें बच्चों के अंदर, कि जो एक रिस्पेक्ट है वो म्यूचुअल होना चाहिए। हम भी आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप भी हमको वो रेसिप्रोकेट करिए। तो डांटना नहीं है, बात करनी है कि व्हाई डिड दैट हैपन और कम टू अ कंक्लूजन कि ओके फाइन नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, फाइन इट्स ओके, गलती सबसे होती है, आई होप नेक्स्ट टाइम इट डजंट हैपन बिकॉज आई डोंट फील गुड। अपना इमोशन भी बताइए बच्चे को कि जब आप इस तरह से बोलते हो बेटा मम्मा को नहीं अच्छा लगता है, आई रियली फील सैड व्हेन यू से दैट। ये बात बच्चे को समझ में आ जाती है बहुत ही अच्छी तरह से। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगी तो मे बी दो या तीन बार जब आप कंटिन्यूसली इसी तरह से अपने बच्चे से बात करते रहेंगे तो फिर उनको ज़रूर ये रजिस्टर होएगी। तो आप बने रहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है इस चीज़। जब आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं ना, पूरे तन्मयता के साथ बच्चे से सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि वो आपको बताना ही नहीं चाह रहा है तो फिर उस वक्त आपको कुरेदने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि छोड़ दिया ठीक है जब बताना हो बताएगा, नहीं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको अभी भी इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है वो नहीं आता है, तो यू नीड टू नो दैट सो दैट वो कम्युनिकेशन कर सकें। एंड व्हेन दे सी, जनरली बच्चे ना डरे हुए होते हैं कि अगर हम ये बताएंगे तो हो सकता है मम्मी पापा नाराज़ होंगे, मगर जब आप कुरेद कुरेद के थोड़ी बहुत चीज़ें निकल के आ जाती हैं और भले ही वो थोड़ा बहुत यू नो गड़बड़ काम किया हुआ होता है उन्होंने ना, मतलब आप गुस्सा नहीं करके अगर आप उनको प्रॉपर्ली यू नो समझाते हैं या फिर उस चीज़ को लाइटली हैंडल करते हैं तो उनको अगेन ही कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं अपने पेरेंट्स को आके कुछ भी बता सकता हूँ। ऑफकोर्स बाद में आपको ये चीज़ ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए उनके अंदर कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बच्चों को सिखाना है। जब उनको ये डिफरेंस समझ में आने लगेगा तो वो अपने आप सही और गलत रास्ते चुनना चालू करेंगे। लेकिन बीच में जब भी वो गलत रास्ता चुनते हैं उनके पास एक कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो खुला होना चाहिए कि वो कभी भी आके आपसे बात कर सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। इनफैक्ट बड़े बच्चों को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स के यू नो इस कम्युनिकेशन की, मगर छोटे बच्चों को हम पूरी तरह से मिस कर जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही छोटे हैं तो इनको क्या, इनको तो बस खेल में लगा दूँ। नहीं, उनको जो अटेंशन चाहिए, उनको जो नर्चरिंग चाहिए है वो हम इसी तरह से दे सकते हैं जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनफैक्ट ये आगे चल के उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा जब आप इतने इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे के साथ। अपने बच्चों को ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें देने चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे करके आप अलग अलग तरह की क्लासेस में उनको डालिए या फिर अलग अलग जगहों पे लेके जाइए, जैसे म्यूजियम्स, प्लानिटोरियम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज, चीज़ें कैसे बनती हैं जहाँ वो अपनी आँखों से देख सकें ये सब, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखें आप और उस बारे में डिस्कस करें ऑन योर डिनर टेबल या लंच और वेन एवर यू आर लाइक ट्रैवलिंग इन द कार, और उस समय आप कुछ डिस्कशन करें। तो ये सब चीज़ें अगेन एक रास्ता है, एक मीडियम है, आप ओपन अप अ चैनल ऑफ कन्वर्सेशन। ऑल्सो जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको देते हैं तो उनके लिए ये आसान होता जाता है कि वो अपना पैशन बहुत ही जल्दी छोटी उम्र में ही ढूंढ सकें। तो इसीलिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको दीजिए लगातार, फिर कुछ क्लासेस भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। बड़ी बात है, टैंट्रम्स में कभी भी आपको गिव इन नहीं करना है। ये नहीं कि चलो चुप कराने के लिए तुम्हें चाहिए है ये चलो लेके दे देते हैं, नहीं, आप बच्चे से पहले ही कह दीजिए अगर आपने किसी चीज़ के लिए ज़िद करी है तो वो चीज़ तो आपको मिलनी ही नहीं है।
बट इफ़ यू जस्ट आस्क नाइसली, मे बी अगर आपके रीजन सही हैं तो मे बी वो आपको आपके बर्थडे पे मिल सकती है या फिर क्रिसमस पे मिल सकती है. तो इस तरह के कोई गोल सेट कर दीजिए. मतलब अगर टैंट्रम किसी भी समय चालू हो जाता है तो आपको उसको उसी समय एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि ये एक सही तरीका नहीं है कंडक्ट करने का अपने आप को. आप जब भी बच्चों को कुछ कराना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिए कि आप ये जो काम है क्यों चाहते हैं कि वो ये करें. अगर आप चाहते हैं कि वो होमवर्क करें और इसी समय करें तो उनको एक्सप्लेन करिए कि ये जो समय है ये आपका पढ़ने का समय है, इसके बाद में आपका खेलने का समय चालू हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप अभी फिनिश कर लोगे तो आपका खेलने का समय जो है वो कम नहीं होएगा. तो आप जितना जल्दी फिनिश करते हो उतना ज़्यादा आपको खेलने का समय मिलेगा. बच्चों को जब ये लगेगा अरे वाह काम किया तो खेलने का समय ज़्यादा हो जाएगा, सो दे हैव अ थिंग, यू नो, एक कॉम्पिटिशन अपने आप से रहता है कि चलो एक अचीवमेंट होएगा इसके बाद में, तो दे विल ट्राई टू फिनिश देयर वर्क फास्टर. तो उनको समझाइए. जनरली पेरेंट्स बोलते हैं चलो चलो आओ बैठो पढ़ना है, और बच्चे की क्यों अभी ही क्यों करना है, एंड दैट होल थिंग एंड द होल ड्रामा कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग कि नहीं जो है अभी करना है, अभी क्यों करना है, फिर रोना होएगा, बहुत सारे ड्रामे होंगे. नो पॉइंट गेटिंग इन टू इट. एक्सप्लेन द थिंग्स टू द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड. लाइक एन एडल्ट यू नो यू शुड बी एबल टू टॉक टू योर चाइल्ड समटाइम्स. मगर उनको रूल्स और बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं. अगर उनके पास रूल्स नहीं हैं कि अगर हमने ऐसे बोला है और आपकी रिस्पेक्ट नहीं है बच्चे को तो अगेन इट विल नॉट वर्क. यू नो, तो आपको ये रिस्पेक्ट जो है आपको देना वो उसको सिखाना पड़ेगा. और वो तभी आएगा जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे. बच्चे से हमेशा तीन चीज़ें जो हैं छोटी उम्र से ही अक्सर बोलनी चालू कर देनी चाहिए, जो कि थ्री मैजिकल फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़. तो जब भी बच्चा कुछ आपके लिए करता है उसको थैंक यू बोलिए. जब भी आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं उसको प्लीज़ बोल के करवाइए. जब आप ये नॉर्मली बोलते हैं बच्चों के साथ में तो दे सी एंड दे लर्न, तो वो मिमिक करते हैं हमको. तो आगे चल के भी जो बेसिक एटिकेट है वो घर में ही उनको शिक्षा मिल रही है कि उनको किस तरह से बात करना है. तो हमेशा ये तीन मैजिकल फ्रेजेस कंटिन्यूसली डे आफ्टर डे बोलते रहिए. ये एक ग्रैटिट्यूड जो है बच्चे के अंदर पैदा करता है, बच्चे को इंटीग्रिटी सिखाता है. तो ये एक अच्छा ट्रेट है बच्चे को सिखाना, आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत काम आएगा. बच्चों की हर बात को आपको एकाग्रता से सुनना होता है. मतलब अगर वो आपसे कुछ बात करने आए हैं, अगर आप फ़ोन पे हैं तो आप फ़ोन रख दीजिए, या फिर बच्चे को बोलिए कि थोड़ी देर वेट कर लो. जैसे कि मैंने एक ट्रिक सिखाई हुई है, नहीं तो जनरली हम पार्टी वगैरह में अगर बैठे हैं और बच्चे आके चालू हो जाते थे मम्मा 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 मम्मा, आपके साथ भी होता होगा ना, तो मैंने इन लोगों को बोला ऑल हैव टू टेक टर्न्स टू स्पीक. सबसे पहली बात तो जिसको भी बोलना है बात करना है, इफ़ मम्मी इज स्पीकिंग विद समवन एल्स तो उस समय वेट करने का टाइम है एंड यू हैव टू वेट विथ योर हैंड ओवर हियर. सो व्हेन दे कीप देयर हैंड हियर आई पुट माय हैंड ऑन देयर हैंड टू एज अ यू नो एज अ थिंग दैट आई एम आस्किंग देम टू वेट. सो आई जस्ट लुक एट देम. उनको एक आई कॉन्टैक्ट दीजिए बच्चे को, उनका हाथ पकड़ के वेट करने को बोलो एंड ये चीज़ उनको समझाओ कि व्हेन आई डू दिस मींस आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम हियर, आई एम वेटिंग फॉर आंटी टू फिनिश एंड देन मैं आपसे बात करूँगी. जब बच्चे को ये पता चलता है कि ठीक है यू नो ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और शी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और उनकी बात सुनी जाएगी, तो दे विल वेट एंड पेशेंटली वेट इंस्टेड ऑफ डूइंग मम्मा मम्मा. थोड़े दिन हुआ उसके बाद में आई स्टार्टेड टू आस्क ओके हाथ यहाँ रखो क्या बताया गया था आपको, एंड देन दे विल डू एंड देन आई से ओके now wait I'll come back to you and then I'll finish my chat and then I'll speak with the child. तो ये एक कम्युनिकेशन अगेन जो है आपके और बच्चे के बीच में वो रुकता नहीं है और बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है कि उसकी बात सुनी जाएगी भले ही थोड़ी देर में, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट का हाथ उसके हाथ के ऊपर होता है और आपने जो लुक दिया है बच्चे को वो अगेन एक्नॉलेज करते हो आप उसको देख करके कि मैंने आपको देख लिया है, एक्नॉलेज्ड यू, आई एम हियर, आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, नेक्स्ट इज़ यू. डू यू अंडरस्टैंड?